वेलकम टू माई चैनल. मैं हूँ अक्षिता. स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का. सो हैज यू ऑलरेडी रोड बाय द टाइटल कि आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम कोनियों के कालेपन को दूर करने के कुछ रेमेडीज लाए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. बिफोर हम वीडियो चालू करें, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आए तो, और बाजू में बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. उससे पहले मैं बोल दूँ कि आजकल हम अपने फेस का इतना ध्यान रखते हैं, अच्छे अच्छे महंगे पार्लर्स में फेशियल वेशियल कराते, बट जब बात होती है कोनियों की यानी कि एल्बोस की हम भूल जाते हैं या हम टाल देते कि छोड़ो यार कल कर देंगे. उसके कालेपन को हम नज़रअंदाज कर देते कि भाई देख लेंगे बाद में, और उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है. बिकॉज सर से पाँव तक आप एकदम अच्छे लग रहे हो, गोरे चिट्टे लग रहे हो, और कहीं ना कहीं वो कालापन दिख जाता है कोनियों में. बिकॉज हम बहुत टाइम तक उसको टाल देते, साफ नहीं करते, तो वो कालापन जम जाता है आपको कोनियों पे. उस वजह से हमारी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है, और उस वजह से बहुत लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिसका असर भी दिखता है. बट जैसे ही आप वो प्रोडक्ट्स लगाना रोक देते या बंद कर देते, फिर से कोनियां काली हो जाती है. तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ होम रेमेडी, जिससे आप घर बैठे पैसा कुछ खर्च ना करना पड़े वैसा रेमेडी. तो आज हम बनाएंगे होम रेमेडी एल्बो के कालेपन को, यानी कि कोनियों के कालेपन को निकालने के लिए. सो इफ यू वांट टू नो दैट इज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. ये वीडियो एंड तक देखिए और आप कोनियों के कालेपन को दूर करिए. तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो देखते हैं आपको कोनियों को कालेपन भगाने के लिए क्या क्या हमें सामग्री चाहिए. तो सबसे पहले हम लेंगे एक चम्मच नमक, इसके साथ लेना हमको आधा नींबू, आधा कटा हुआ नींबू. अब इसको आपको इसके अंदर डिप करना है और फिर अपने कोनियों पे लगाना है, रब करना है. सो इसके अंदर मैं लगा दूंगी ऐसे, फिर आपको इधर रब करना है. अच्छी तरह से रब करो. ओह शिट, तो ये क्या करता है, एक स्क्रब का काम करता है. स्टार्टिंग में आप लगा रहे हो क्योंकि इसमें मैंने डाला है नींबू. नींबू में भरपूर मात्रा में एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके गंदगी को, बैक्टीरिया को हटाने में हेल्प करता है. तो नींबू बहुत अच्छे से काम करता है आपके स्किन पे, जो भी गंदगी है, जो भी कालापन हो गया है. अब ये कोनी पे करेंगे. थोड़ा सॉल्ट ले लो, जो भी गंदगी है, कालापन हो गया है आप, तो उसको लाइटन करने में, गंदगी को हटाने में बहुत अच्छी तरह से नींबू हेल्प करता है. सॉल्ट एक नेचुरल एक्सफोलिएटर, बॉडी एक्सफोलिएटर जैसा काम करेगा. आपकी स्किन के जो भी कालेपन हो गए हैं, गंदगी हो गई है, उसको निकालने में सॉल्ट उसके साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है. स्क्रब होने के बाद आपको इसको 10 मिनट तक अब इसको ऐसे ही रहने देना है, थोड़ी देर, ओनली 10 मिनट्स. और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे. मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं और 10 मिनट बाद मिलते हैं. 10 मिनट्स हो गए हैं. अब इसको मैं, जो मैंने ये लगाया है, इसको मैं वॉश करके आती हूँ और फिर हम मिलते हैं और फिर हम इसके आगे के स्टेप्स करते हैं. सो वॉश करके आते हैं. उसके बाद हमने वॉश कर लिया हमारा एल्बोस. फिर इसके बाद का स्टेप मैं बताती हूँ. इसके बाद आपको चाहिए एक बाउल, और फिर आपको चाहिए बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा होता है वो वाला, तो उसका लेंगे हम एक चम्मच, अराउंड दिस मच. और फिर हम लेंगे कोलगेट, जो भी आपके पास है, बट वाइट वाला होना चाहिए, उसका लेंगे हम अराउंड एक चम्मच. एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लेना, वो मिला लेना है. थोड़ा और डालते, बिकॉज ये अभी तक ऐसा है, तो थोड़ा और डालूंगी मैं. जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे आपको पता चल जाएगा आपको कितना चाहिए. लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है. सो यू कैन सी द परफेक्ट टेक्सचर. तो हम अपने एल्बोस पे अप्लाई करते हैं. तो लेट्स गो. पेस्ट
हाथों से। अदर साइड, दूसरे कोने पे। तो मैंने मास्क अप्लाई कर लिया अपने एल्बोस पे, कैन सी। फिर अब क्या करना है आपको, कोई भी खराब ब्रश लेना है और उस ब्रश को इस पैक में टिप करना है और फिर अब इसको ऐसे करना है, वो इसको अच्छे से आपको ऐसे करना है स्क्रब। तो मैं इसमें बता दूं, मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपके पीएच लेवल को ठीक करने के साथ साथ आपके जो काली एल्बोज है उनको ग्लो देने में, जो कालापन हटाने में हेल्प करता है। फिर इसमें मैंने डाला है टूथपेस्ट में वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग एजेंट पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के कालेपन को हटाने में हेल्प करता है और आपके कोनियों को ग्लो देने में, कालेपन को, दाग धब्बे निकालने में मदद करता है। सो बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आपको आपके कालेपन, दाग धब्बे ऐसे हो, कालेपन हो गया आपके कोनियों के लिए, तो बहुत अच्छा काम करता है। और मैं टूथपेस्ट के साथ इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। मैं ऐसे ही, आप नॉर्मली अगर आपको ऐसे टूथपेस्ट के साथ नहीं करना है, ब्रश के साथ नहीं करना है इसको स्क्रब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मली इसको फेस पैक जैसे लगाते हो वैसे एल्बो पैक लगा दो और इसको रख दो, 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। पर मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, आई लाइक टू स्क्रब इट ऐसे जेंटल, यार एकदम उसको घिसना नहीं है, झिंगी 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 नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको नॉर्मली ऐसे एक बार बस ब्रश फेर देना है। सो दैट्स इट। अब इसको मैं रखूंगी 15 मिनट और 15 मिनट बाद मिलते हैं, तब तक वेट करते हैं। सो बाय। सो आई एम बैक। सो अब ये ड्राई हो चुका है, सो अब इसको वॉश करके आते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैंने इसको बहुत बार यूज किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो लेट जस्ट सी द रिजल्ट एंड आई थिंक यू विल लव इट। सो लेट जस्ट वॉश एंड कम बैक। सो आई एम बैक। मैंने वॉश कर लिया है अपने एल्बोस, सो आई टेल यू, कैन यू सी इट, लाइक बहुत फर्क पड़ा है। हाँ उतना नहीं है जितना आप लोग अगर सोच रहे हो कि एक ही दिन में आपके एल्बोज एकदम वाइट हो जाएंगे, एकदम सब कुछ है वो चला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला क्योंकि ये जादू नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको यूज करना पड़ेगा रेगुलरली, लाइक 3 से 4 बार यूज करो यार, उसके बाद आपको रिजल्ट अपने आप दिखने लगेगा। एक ही बार में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट ऑनेस्टली करता है वर्क, ठीक है। पहले अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मेरी कोनी बहुत काली थी ये वाले पे स्पेशली, पर अब इतनी नहीं है। सो आई थिंक ये वर्क करता है, बट ऑब्वियसली यार होम रेमेडीज एक ही दिन में, एक ही बार में असर नहीं बताती है। आपको उसके लिए रेगुलरली वो चीज़ें रेगुलरली अप्लाई करना पड़ता है, रेगुलरली आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो होता है। सो ऐसे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कि एक ही दिन में आपको ये वाइट एल्बो दे देगा, वाइटनिंग कर देगा, आपके एल्बो को लाइट कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आपको रेगुलरली 2 सप्ताह कर लो 4 बार आई मीन से, आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बिकॉज ये बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद आपको ये होने के बाद बस एक मॉइस्चराइजर लगा लो या कोकोनट ऑयल, कुछ भी ऑयल लगा लो ताकि उसको वापस मॉइस्चर मिल जाए, और ये बहुत अच्छे से काम करता है यार। ट्राई करो एक बार, थोड़ा बिलीव करो मेरे पे और इस रेमेडी को ट्राई करो, इट विल वर्क। थोड़ा टाइम लेगा ये, बट ये बहुत अच्छे से काम करता है। बट एक फर्स्ट यूज में ना आपको रिजल्ट गारंटी मिलेगा, उससे बेफिक्र रहो कि आपको कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं, बेफिक्र रहो आपको रिजल्ट मिलेगा। बी पेशेंट आई वुड से, डोंट बी लाइक इम्पेशेंट कि जल्दी नहीं हो रहा है, जल्दी नहीं हो रहा, पेशेंस रखो, थोड़ा काम करेगा, पेशेंस रखो। सो दैट्स इट, आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट टू से इन दिस वीडियो। आई होप आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे बिकॉज बहुत अच्छे से काम करता है यार, ट्राई कर लो अगर आपके भी डार्क एल्बोज है, आप बहुत परेशान है उनसे, बिकॉज अच्छा नहीं लगता अगर सर से पाँव तक आप बहुत अच्छे से रेडी हो और आपके डार्क एल्बोज हो तो कैसा लगेगा, सोचो। सो मेक श्योर ट्राई करो इस रेमेडी को और फिर मुझे बताओ
कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, तो ट्राई करना और फिर मुझे आई लव टू सी कि आप लोग ट्राई कर रहे हो. तो आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आप इसे ट्राई करेंगे. तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आए तो, और जो बाजू में बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. दैट्स ऑल आई वांट टू से इन दिस वीडियो. इज अक्षिता साइनिंग ऑफ. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय बाय.